बारबेक्यू। तो आज मैं आपको उनकी रेसिपी बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने 2 केजी चिकन, टिक्का मसाला, 2 स्पून विनेगर, 2 लेमन, 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 स्पून अजवाइन, 2 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून चाट मसाला और 1 स्पून कुटी हुई मिर्च, 1/2 कप योगर्ट, 1/2 स्पून हल्दी, 1/2 कप ऑयल, 1 स्पून जीरा। अब हमें एक बाउल चाहिए, उसमें हम सारे मसाले ऐड करके तो वो हम जो है बारबेक्यू के टिक्का पे लगाएंगे। हम अजवाइन और ज़ीरा ऐड करके इनको ग्राइंड कर लेंगे। इसको अब हम पीस लेंगे। अब ये जो है हमने इनको पीस लिया है, अब हम इनको वापस। अब हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें टिक्का मसाला ऐड करेंगे। हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अब हम करेंगे सॉल्ट। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें जो है वो डालेंगे चाट मसाला। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्च। अब हमने जो अजवाइन और ज़ीरा का मिक्सर बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे और अब हम इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे और अब हम इसमें जो है लेमन ऐड करेंगे। और ये जो है हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब जो है वो हम चिकन में लगाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं मसाला। ये जो था हमारे पास 2 केजी चिकन था, जो मसाला उसका बिल्कुल सही तरह इसके ऊपर आ गया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। ऐसे आप सब उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो अब हम अपने बारबेक्यू के सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जो है हम मलाई बनाने जा रहे हैं, मलाई बोटी। हमें चाहिए चिकन, हरा धनिया और हमें चाहिए हरी मिर्चें और हमें चाहिए ऑल पर्पस की क्रीम, ब्लैक पेपर 1 स्पून और ये 1/2 कप आप ले लें योगर्ट और हमें चाहिए 1/2 स्पून अजवाइन और 1 स्पून हमें चाहिए सॉल्ट, हमें चाहिए 1 स्पून वाइट पेपर और हमें चाहिए गरम मसाला 1 स्पून और यहाँ हमें चाहिए 1 कप योगर्ट, 1 प्याली कर लें, 1 प्याली जो है वो ऑयल लेने हमें और 2 स्पून हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट और हमें 1 स्पून थोड़ा सा ज़ीरा। अब हमें दोबारा अजवाइन और ज़ीरे को पीस लेंगे। ये हमारा जो है वो पीस गया। अब हम इसमें डालेंगे मलाई बोटी में। हम जो है हरा धनिया और ये जो ग्रीन चिली है इसको हम बिना पानी के जो है वो ग्राइंड करेंगे। हमें जो है वो फिर भी थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। जो हमारा पेस्ट बना था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है मलाई बोटी में। अब हमने जो ऑल पर्पस की क्रीम ली थी वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें योगर्ट डालेंगे। अब हम इसमें जो है ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और अब हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे और अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और अब हमें चाहिए वाइट पेपर और ये जो हमने वो ज़ीरा और अजवाइन का बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे, ये गरम मसाला था। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे।
और हमारी कितनी प्यारी माशाल्लाह से मलाई बोटी लग रही है, और हमारी मलाई बोटी और जो और ये हमारा टिक्का और मलाई बोटी दोनों रेडी हो चुके हैं। तो हमारे बारबेक्यू का सामान कंप्लीट। बारबेक्यू का तीसरा पार्ट है कि हमने जो है वो चटनी बनानी है। तो हमें चाहिए 4 टमाटर और हमें चाहिए 5 से 6 जो है वो ग्रीन चिली, और ये हमें चाहिए लहसुन और 2 नींबू का रस, और ये है हमारा हरा धनिया, और ये 1 स्पून हमें सॉल्ट चाहिए, 1 स्पून ज़ीरा और 1 कप वाटर। अब हम इसमें 4 टमाटर ऐड करेंगे, हम इसमें अपनी ग्रीन चिली ऐड करेंगे, और हमें चाहिए हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे, और सेकंड हमारा नींबू का जो रस था, और हमारा ये ज़ीरा डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे, और हम इसमें लास्ट में डाल देंगे पुदीना, और ऊपर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये हमारी चटनी बनकर रेडी हो गई। आप इसको दही में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी चटनी ऐड कर दी है हमने। टिक्का बोटी बनकर रेडी हो चुकी है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए करें। अल्लाह।